ओबीसी आज 75% पूरे ऑल ओवर इंडिया में 150 करोड़ में से 100 करोड़ ओबीसी है। इतना ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने बोला मोदी जी सही है। आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, वो इसलिए ओबीसी समाज जो है वो बड़ी तादाद पे है, क्योंकि 100 करोड़ लोगों को आरक्षण कैसे देंगे। जब तक बच्चा रोता है ना, रोता नहीं ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, ओबीसी आरक्षण होना चाहिए या नहीं। 52% ओबीसी है तो 52% आरक्षण होना ही चाहिए था। ऐसे 70 भी अधिवेशन होंगे ना, डिमांड ही करते रहे। हमारी संख्या कितनी है वो भी हमें मालूम नहीं है, तो फिर हमको आरक्षण भी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा था वो भी जा रहा है। जो ईयरली 5 लाख के नीचे है उनको दो ना आरक्षण, जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा रहा उनको आरक्षण की क्या गरज है। पशु पक्षी की अगर जनगणना होती है तो हमारी क्यों नहीं। AWS सिर्फ आपको अपने शिक्षा में आरक्षित करता है सर, वो भी कितना 20%। जितने सारे विद्यापीठ जो है उनमें बहुत सारी ओबीसी की जगह खाली है, भरी ही नहीं, और वो बोलते हैं कि कोई लाइबल कैंडिडेट मिला ही नहीं। ऐसे हो सकता है? इतना बड़ा ओबीसी समाज है और उनमें से कैंडिडेट नहीं मिलता, ये कैसे हो सकता है? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के कितने जज हैं? ना के बराबर नहीं है सर। हम इस वक्त मौजूद है तालकटोरा स्टेडियम में, मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, ओबीसी का 7वां महाअधिवेशन है, जहां पर देश भर के ओबीसी जो है, ओबीसी समाज के लोग, वो आज तालकटोरा स्टेडियम में जमा हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि लगातार ओबीसी समाज ये डिमांड करता ये आया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार निजीकरण करती जा रही है, जिससे सीधा आरक्षण पर असर पड़ेगा या पड़ रहा है, वो तमाम चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या लगता है आज यहाँ पर देश भर के ओबीसी जमा हुए हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? आज एक्चुअल में जमा होने की वजह यही है कि कोई भी सरकार आती है वो हमारी बात सुनती नहीं है। अब ओबीसी समाज जो है वो आज 70% ओबीसी समाज है, और उनकी मांगे, उनका हॉस्टल का मुद्दा है, जो खेडूत है उनको 60 साल के बाद जो पेंशन मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें होती नहीं है। इसीलिए पूरे इंडिया से, पूरे भारत से, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, सभी जगह से, नेपाल, पंजाब से सभी लोग आए हैं और उन्होंने यही मांग रखी है। और यहाँ पे काफ़ी राजकीय लोगों को भी बुला के ये बताया गया है कि भाई हमारी जो ओबीसी समाज है वो अभी कोई पहले जैसा नहीं, अभी जागरूक हुआ है, और उनको जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी जितनी संख्या है वो हिसाब से उनको उनका सम्मान मान और उनको जो अधिकार मिलना चाहिए। बेसिक हमारा ये है कि जो ओबीसी हित की अभी बात करेगा वही देश पे राज करेगा, यही हमारी मांग है। सर, ओबीसी की बात कही, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, आपके स्टेट गुजरात से आते हैं, 15-20 साल आपने वहाँ पर उनको चुना, फिर देश में चुना, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि ओबीसी PM होने के बावजूद भी ओबीसी समाज कह रहा हमारा उत्थान नहीं हो रहा है? देखो, ओबीसी समाज, मोदी साहब भी जो है, मोदी साहब अपने हिसाब से, वो खुद हमारे ओबीसी समाज के घांची समाज से आते हैं, उनका वो अगर कास्ट का देखेंगे, राजा रहता है वो हर चीज़ देखता है, वो पहले राज्य को, भारत को देखेगा, उसके बाद अपने समाज को देखेगा। लेकिन उनका जब से वो आया है तब से काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, और मांगे हम उनसे जिससे हमको लगता है कि उनसे कोई चीज़ मिलेगी, तो इसीलिए हम उससे मांग करते हैं। इसलिए मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि जो भी हमारी मांगे हैं वो उन्होंने 10% 15% मंजूर किए, और कुछ मंजूर करना चाहिए, जैसे हमारे हॉस्टल है, हॉस्टल का काम है, हर जिले में हॉस्टल होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लिए जो अपना नॉन क्रिमिनल है वो 20 लाख तक करना चाहिए, वो सब मांगे हैं, वो उनको हम बताते हैं, बताने से हमारा कुछ फ़ायदा होवे वो हिसाब से हम उनको बता रहे हैं, और वो हिसाब से उनके पास आवाज़ जाती है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। मोदी जी हमारे ओबीसी से बिलोंग करते, इसलिए ये आवाज़ अभी ज़्यादा मजबूत हुई है कि ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन सर, सरकार जो है ISPCS में लेटर एंट्री के जरिए ISPCS बना रही है आरक्षण को ताक पर रखकर, या इसीलिए अभी भी जो है आरक्षण को लेकर जो मुद्दा है हमारा वही है कि भाई IPS अधिकारी और वो सब के लिए जो उन्होंने कम किया था, 10% किया था, उसको फिर से बढ़ाना चाहिए।
यही एक मांग है। और इसके लिए पहले गुजरात महाराष्ट्र सरकार ने इसका पहला विरोध किया था, फडणवीस साहब जो है उन्होंने इसको थोड़ा काफ़ी बहुत सपोर्ट किया है। और एक एक डिस्ट्रिक्ट में भी अगर कुछ रिजल्ट आता है तो समझ सकते हैं कि बाकी सब जगह भी आएगा। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि हमको न्याय मिले। मतलब मोदी जी के नेतृत्व में काम आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है? पहले से काफ़ी अच्छा हो रहा है, थोड़ी बातें सुनी जा रही हैं। और मोदी साहब को हमारी यही गुजारिश है कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे के इसको आप थोड़ा जल्दी क्लियर कीजिए ताकि ओबीसी समाज को न्याय मिले। का 70 साल हो गया आज ओबीसी समाज जो है, वीपी सिंह जी ने जो किया था थोड़ा बहुत ओबीसी समाज को, उसके बाद कोई नेता ओबीसी का काम कर नहीं रहा है। हमारी उम्मीद है कि भाई मोदी साहब से हमारी अपेक्षा है और उन्होंने ये तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर लोग कह रहे हैं, जो ओबीसी समाज के एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जो है लगातार निजीकरण कर रही है जिससे आरक्षण पर असर पड़ेगा, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी सही कर रहे हैं। यही तो मोदी जी विरोध, अगर उनको बताएंगे कि भाई ये सब निजीकरण हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, तो ही हमारा जो निजीकरण का जो ओबीसी में जो आदमी कम हो रहे वो ज़्यादा उनको नौकरियां मिलेगी, सब मिलेगा। इसलिए हम उन पर ध्यान दें कि निजीकरण को देखो, कोई भी आदमी काम करे उसको बोलना पड़ता है कि भाई ये गलत है, और ये गलत है इसीलिए हम उससे बात करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है सर? मैं महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष भट्टू अप्पा चौधरी, और मैं धुलिया जिला से बिलोंग करता हूँ। तो क्या डिमांड है आज आप यहाँ आए दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, इतना बड़ा महाधिवेशन है, क्या डिमांड्स हैं? क्या लगता है सरकार काम कर रही है, यानी जो मोदी जी ने वादे किए थे राम मंदिर बनाना, 370 हटाना, वो सब तो पूरा हो गया? नहीं, हम ऐसा मानते हैं महाराष्ट्र में जो कोई अभी कायदे उन्होंने लागू किए हैं तो पूरी संतुष्टि नहीं है हमें, कारण हम राजकीय आरक्षण 243 टी और 243 डी के आधार से हमें मिलना चाहिए, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार ने ध्यान दे के हमें 27.5% आरक्षण जो है वो टेबल देना चाहिए। उसके वजह से बाकी पूरा जो कोई समुदाय है या पूरा ओबीसी समाज है उसको एक पुरजोर ताकत मिलेगी, और 27.5% जो आरक्षण है वो हमें टेबल मिलना चाहिए, ऐसी हमारी प्रमुख मांग है। और ये मांग हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं कि ये हमें डायरेक्ट केंद्र सरकार ने खुद इसमें ये करके हस्तक्षेप करके और एक अमेंडमेंट लाना चाहिए और हमें 27.5% आरक्षण टेबल देना चाहिए, ऐसे हमारी प्रमुख मांग है। और बाकी के मांगों के लिए हम अभी उनसे मांगे मांड दिए हैं हमने, तो आगे चल के देखिए कि कितना बीजेपी सर गवर्नमेंट सेंट्रल में हमें मदद करती है। राज्य में हमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब ये काम के लिए जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला है तो वो खुद होके आगे फ्रंट फुट पे आके काम कर रहे हैं, और ये वजह से हमें इस बात की संतुष्टि है। परंतु इसमें केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करना चाहिए और हमें 27.5% आरक्षण देने की पुरजोर कोशिश करना चाहिए, बस इतना ही बोलता हूँ, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर जय ओबीसी, डॉक्टर श्रीकांत बानावाखुड़े नागपुर से बिलोंग करता हूँ। ओबीसी के लिए मैं सर पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, और बबन राव जी ताईवाड़े सर का मैं स्टूडेंट भी हूँ। सर ओबीसी के बारे में 1-2 मिनट बताना चाहूँगा कि ओबीसी सबसे पहले 72 इयर्स में इसकी जनगणना नहीं हुई सर, पहली मांग तो ये है। सेकंड ये है, ओबीसी में महाराष्ट्र में 380 जातियाँ आती है और हर एक जाति में 12.5 फुट जाती होती है, तो ऐसे हिसाब से 5,500-6,000 जातियाँ ये महाराष्ट्र में, और ऑल ओवर इंडिया में 3,843 जातियाँ है सर, इंटू 12.5 यानी 10,000 के ऊपर। तो इतना बड़ा ओबीसी समाज ये संगठित होना ये इम्पॉसिबल है सर। और इतना अभी आप जो बोले थे ना कि अभी नाउ मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन किया है, ये किया वो किया,
तो इट इज लिटरली सही है सर, मोदी जी की बात सही है, लेकिन निजीकरण सही है? निजीकरण सर आप बताइए, अभी मैंने बोला कि 10,000 के ऊपर जातियां है, ये संगठित होना इम्पॉसिबल है, ठीक है, और उसके बावजूद आप क्या बोल रहे हैं इनको आरक्षण, और नाउ द सिचुएशन इज गोइंग ऑन, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है सर, मैं वही पूछ रहा हूँ क्या निजीकरण होगा? जी जी, नाउ द सिनारियो जो देश में है, 2 साल पहले कोरोना आया था, कोरोना से हर एक जन टूट गया है, हर एक बिजनेस देन जॉब और सोशली इकोनॉमिकली मेंटली फिजिकली ऑल द वे वो टूट गया सर। अभी तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, कौन जिम्मेदार होगा इसका? सर जिम्मेदार तो यानी सरकार जितना है उतना ओबीसी भी है। ओबीसी क्यों होगा? ओबीसी अभी मैंने बताया 10,000 जातियां है, उनको संगठित होना है, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए है, लड़ना पड़ेगा। आपने अभी बात की कि जाति जनगणना की, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, तो हम जाति जनगणना कहां से करेंगे? आंकड़ा तो मिल गया था 91 में जब वीपी सिंह सरकार आई थी, मंडल आयोग बैठा था, तब आंकड़े मिले थे, लेकिन वो प्रोसीड नहीं हो पाए। लेकिन सर एक बात बताइए, कहते हैं कि ओबीसी समाज की 50% तो मिनिमम मान के चलिए जनसंख्या है, नहीं तादाद सर, कैसे बोलेंगे 72 इयर्स में उसकी जनगणना ही नहीं हुई, तो आप 50%, मैं तो बोलता 75% है ओबीसी, आज 75% पूरे ऑल ओवर इंडिया में 150 करोड़ में से 100 करोड़ ओबीसी है, और इतना ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने बोला मोदी जी सही है, क्योंकि 100 करोड़ लोगों को आरक्षण कैसे देंगे, ना शिक्षा में देंगे, ना जॉब में देंगे, तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। जी जी, आरक्षण का वो मुद्दा है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ, सुन तो लो आरक्षण का मुद्दा सुन तो लो, नाउ द सिनारियो, आप ये बताइए मुझे, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई ओबीसी या एससी या एसटी जी जो आरक्षण के खिलाफ बात कर रहा हो या उसको आरक्षण ना होने की बात कर रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, ओबीसी आरक्षण होना चाहिए या नहीं, ये बताइए। 2022 इज गोइंग ऑन, मैंने अब भी बोला है कि कोरोना हुआ है, लोग सोशली मेंटली फिजिकली इकोनॉमिकली टूट गए, ठीक है, और उसके बावजूद फिर भी आरक्षण। एक बात बताइए, कोरोना में सबसे ज्यादा जी जिन्होंने हेल्प की वो समाज कौन था? वो समाज तो ओबीसी था सर, सभी समाज के थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोस्टली जो था ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली कंडीशन पे, ना कि जाति के आधार पे। हमारे साथ मैम इनसे बात करें, मैम बताइए क्या ये जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं, समझाइए जरा क्या कह रहे हैं। सर मैं वंदना बोबड़े चंद्रपुर महाराष्ट्र से। सर बात यह है कि आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, वो इसलिए ओबीसी समाज जो है वो बड़ी तादाद पे है। सोचने वाली बात यह है कि जब तक बच्चा रोता है ना, रोता नहीं ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती, ठीक है, तो ये तो आरक्षण की बात है, सरकार चाहे कोई भी हो, हमारे हक हमको मिलने ही चाहिए। और कलम 340 जो है संविधान का, वो बोलता है कि उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये पता नहीं था कि ओबीसी की एक्चुअल संख्या कितनी है, उसी वजह से उन्होंने बोला था कि एक आयोग बिठाया जाए, और वो आयोग बैठा भी, कालेलकर आयोग, लेकिन उन्होंने भी आरक्षण नहीं दिया। फिर उसके बाद में वो मंडल आयोग आया, और हमारी संख्या इरावती करवे नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो उनके हिसाब से राधा धुर्वे और उनके हिसाब से 52% ओबीसी है, और जब 52% ओबीसी है तो 52% आरक्षण होना ही चाहिए था, लेकिन हमको मिला वो 27% आरक्षण मिल गया हमको। और अभी बात यह है कि अभी जनगणना ही नहीं हो रही, हमारी संख्या कितनी है वो भी हमें मालूम नहीं है, तो फिर हमको आरक्षण भी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा था वो भी जा रहा है। लेकिन मैम सर खड़े हुए हैं ओबीसी समाज से हैं, ये मोदी जी के साथ हैं इस पर कि हम इतने लोगों को आरक्षण कैसे देंगे? सर क्यों नहीं देंगे, पशु पक्षी की अगर जनगणना होती है तो हमारी क्यों नहीं,
हमको क्यों नहीं, जितनी जिनकी संख्या जितनी है उतनी तो हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए ना, ये तो वाजिब बात है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? सर आप बताइए, मैम कह रही हैं कि जितनी जिसकी संख्या है उतनी हिस्सेदारी तो लेंगे। सर मैं वास्तविक पे बात करता हूँ, नहीं तो ये सातवां अधिवेशन है, ऐसे 70 भी अधिवेशन होंगे ना, डिमांड ही करते रहेंगे। क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं? आरक्षण होना चाहिए सर, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक जी, वो तो दिया जा रहा है। हर एक वर्ग में बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। आज मैं सोनार हूँ, मेरे जाति में भी बहुत सारे लोग हैं, कोई करोड़पति है, कोई एकदम गरीब है कि दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो ऐसे सभी जातियों में है सर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली जिनका सही में इकोनॉमिक जो ईयरली 5 लाख के नीचे है उनको दो ना आरक्षण, जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा रहा उनको आरक्षण की क्या गरज है? वो IPS IAS बन रहे, वो कलेक्टर बन रहे, जॉब उनको मिल रही है, अरे गरीब लोगों को दो ना। सर जो IAS है IPS है वो अपवाद मान लीजिए 2-3% होंगे, लेकिन जिनको सालों से दबा के रखा गया, जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया एजुकेशन में, सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिकली तौर पर, तो उसको तो आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, उनको तो मिलना चाहिए, उसको इकोनॉमिक की क्या जरूरत है? इकोनॉमिक के लिए तो AWS पहले ही ला दिया सरकार ने। AWS सिर्फ आपको अपने शिक्षा में आरक्षित करता है सर, वो भी कितना 20%, जैसे OBC अभी स्कॉलरशिप मिल रहा है 50%, बाकी कहाँ मिल रहा है सर? आपको जॉब में मिल रहा, आपको प्लेसमेंट में मिल रहा? मैंने खुद ने MPSC 4 बार ट्राई किया। सर एक बात बताना चाहूँगी, ये जो इकोनॉमिकल आरक्षण मिला है ना, उसका प्रावधान संविधान में था ही नहीं, वो अमेंडमेंट हुआ है, मिला है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन OBC समाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 100 में से 75% के ऊपर भी पिछड़ा हुआ है, तो आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि वो, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, वो IAS है IPS है। अभी जो बताया अंदर स्पीच दिया, स्पीच में बताया कि जितने सारे विद्यापीठ जो है उनमें बहुत सारी OBC की जगह खाली है, भरी ही नहीं, और वो बोलते हैं कि कोई लाइबल कैंडिडेट मिला ही नहीं। ऐसे हो सकता है? इतना बड़ा OBC समाज है और उनमें से कैंडिडेट नहीं मिलता, ये कैसे हो सकता है? तो आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, उसी हिसाब से हमको हमारी जगह, हमारी कंडीशन हमको मालूम है कि हम लोग कैसे हैं, क्या है, कितने पिछड़े हैं, खेती के ऊपर पूरे निर्भर लोग हैं, पढ़े लिखे का प्रमाण बहुत कम है, तो मिलना ही चाहिए। सर क्या लगता है आपको, पता है सुप्रीम कोर्ट में OBC के कितने जज हैं? ना कि बराबर नहीं है सर, OBC कहीं नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में कितने प्रोफेसर हैं या कितने कुलपति हैं, वाइस चांसलर है, कुछ है? नहीं नहीं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली बेसिस पे होना चाहिए आरक्षण? सर आरक्षण वो भी डिमांड सही है, लेकिन जो सिनेरियो देश में चल रहा है वो बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। और सर मैं OBC का कार्यकर्ता हूँ, किसान महासंघ का महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष हूँ, भारतीय स्वर्णकर का। आज मैं देश की हकीकत बताता हूँ, देश की हकीकत ये है कि भाजपा और RSS ने OBC समाज को, खासकर जो युवा बच्चे हैं, उनको मुसलमानों के खिलाफ नफरत करने के लिए उनको आगे कर दिया गया है। जबकि जो मलाईदार जगह है, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, अदालतें हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, आप वहाँ पर आंकड़ा उठा लीजिए और देख लीजिए वहाँ पर कितने OBC के हैं। मीडिया में आप देखिए कितने OBC के रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं। आप जुडिशियरी में देखिए कितने OBC के जज बने। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखिए कितने OBC के कुलपति है, प्रोफेसर है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सरसकट आरक्षण मिलना चाहिए, सरसकट यानी कि सबको आरक्षण मिलना ही चाहिए, पूरी तरह मिलना जरूरी है। क्योंकि आप जो अभी बताए कि कितने जुडिशरी में कितने हैं, यूनिवर्सिटी में कितने हैं, वो बिल्कुल 0 के बराबर है, ना के बराबर है, नहीं है। तो कारण ये भी है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि OBC वर्ग जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, जो 10वीं 12वीं के बाद में ग्रेजुएट कर लेता है और ग्रेजुएशन के बाद में वो MPSC यानी UPSC कड़े कमी उड़ता है, ऐसा पण होता है। चलिए तो देखिए दो चीज़ें हैं कि जिस तरीके से सरकार लगातार निजीकरण कर आरक्षण के खिलाफ
इस्तेमाल कर रही है हथियार। एक तरफ तो जो ओबीसी समाज है उसको हिंदुत्व के नाम पर एक जगह जमा कर दिया गया है, मुसलमान को निशाना बनाकर, जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है उसको ख़त्म करने की असल साजिश है, और जिसके लिए आज ओबीसी समाज जो सबसे ज़्यादा मेहनत कश है, जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है, उसको मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की तायद कर उनको उनके आरक्षण से दूर किया जा रहा है। तो अधिवेशन में थे, यहाँ पर तमाम बड़े लोग आए थे, बड़े नेता आए थे, लालू प्रसाद यादव भी आने वाले थे, लेकिन वो बीमारी के चलते नहीं आ पाए। तो इस वक्त हम ताल कटोरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, डिबेट दिखा रहे थे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरक्षण पर ही ओबीसी का, खुद एक ओबीसी का किस तरीके से परसेप्शन चेंज होता गया। तो ये चीज़ें हैं, आज समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनित आवाज़, दिल्ली।